छिंदवाड़ा में सरपंच और सचिवों ने केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के बयान के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और इस्तीफे की मांग की। गौरतलब है कि कुछ दिनों पूर्व फग्गन सिंह कुलस्ते ने भाजपा कार्य समिति की बैठक में सरपंच सचिवों की शिकायत पर उन्हें कौवे के जैसे उल्टा लटकाने की बात कही थी। सरपंच संघ छिंदवाड़ा के बैनर तले सरपंचों ने केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। कुलस्ते द्वारा सरपंचों को अभद्र भाषा बोले जाने पर सरपंच नाराज हैं। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने शनिवार को सिवनी में एक विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने आयोजित भाजपा कार्य समिति की बैठक में सरपंच सचिवों को कौवे के जैसे उल्टा लटकाने की बात कही थी। दरअसल केंद्रीय मंत्री कुलस्ते भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे, तभी उन्होंने सरपंच सचिवों की लगातार काम न करने की शिकायतों को लेकर कहा था कि यह काम हमारे पास आया है, अब बदमाशी नहीं चलेगी, एक दो को कौवा जैसा टांग दे, चाहे सरपंच हो चाहे सचिव। कुलस्ते का यह विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। फग्गन सिंह कुलस्ते जो केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े संभ्रांत हैं, लेकिन उन्होंने हमारे खिलाफ, सचिव के, सरपंचों के खिलाफ और सचिव के खिलाफ जो भाषा का उपयोग किया है, कौए जैसे लटकानी बात जैसी बात की है, तो वो अभद्र भाषा तो है। हमें पशु पक्षी की संज्ञा दी है, ये गलत बात है। हम उसकी कड़ी वक्तव्यता करते हैं और उनसे मांग करते हैं, या तो वो सार्वजनिक रूप से सरपंचों से माफ़ी मांगे, अन्यथा मध्य प्रदेश के समस्त सरपंचों से माफ़ी मांगे, या फिर यदि वो माफ़ी नहीं मांग सकते, उनके अंदर ऐसी भावना माफ़ी नहीं मांग सकते, तो वो अपने पद से इस्तीफा दें। हमने महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन किया है कि यदि वो इस्तीफा भी नहीं देते तो उन्हें पद से बर्खास्त किया जाए। आपको बता दें, यह कोई पहला मामला नहीं है जब फग्गन सिंह ने विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी उन्होंने शराब को लेकर बेतुका बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि शराब लोगों के लिए एक बड़ा टॉनिक है और कोरोना के समय में यह बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके कारण ही देश में शराब का सेवन करने वाले बहुत लोग हैं। उन्होंने शराब को राज्य सरकार के लिए रेवेन्यू का एक बड़ा जरिया भी बताया था। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।